नोटबंदी के लए गए फैसले नाल अनेक ही जाना जा चुकिया ने। उथे ही लोगों कई कई दिन बैंकों के बाहर अपने पैसे कढ़वाने लई जद्दोजहद होना पै रहा। नापा दी कैनरा बैंक के बाहर लोगों दी लंबियां लंबियां लाइना लगन कारण लोगों भारी मुश्किल आ रही ने। लोगों का कहना है कि कोई भी अमीर व्यक्ति जां मंत्री विधायक इन्हां लाइना विच खड़ा विखाई नहीं दे रहा। इस मौके पर कई बैंकों विच कैश ना मिलन ते लोगों खाली हाथ निराश मुड़ना पै रहा। इस मौके पर बैंक ग्राहक सुखचैन सिंह अते गुरदीप सिंह ने कहा कि मोदी सरकार वालों जो नोटबंदी का फैसला लिया गया वह बिल्कुल ही गलत है। जेकर फैसला लेना ही सी तां पूरी योजना नाल इह फैसला लेना चाहीदा सी। उन्हां कहा कि इन्हां लाइनां विच गरीब लोग खज्जल खुआर हो रहे ने अते कोई भी अमीर व्यक्ति लाइनां विच खड़ा विखाई नहीं दे रहा। इस मौके ते कैनरा बैंक के चीफ मैनेजर जगमोहन सिंह ने कहा कि सानू कैश लैण लई RBI चंडीगढ़ जाना पैंदा है। जो नाभा दी मेन चेस्ट ब्रांच स्टेट बैंक ऑफ पटियाला है वह साडी बैंक नूं कैश देण तों इनकार कर रही है, जिस दे कारण बैंकां दे ग्राहकां नूं भारी मुश्किलों का सामना करना पै रहा है। इस मौके पर स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के मैनेजर प्रवीण नागरा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह बाकी बैंकों को पैसे क्यों नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा कि असी पहला अपने बैंक के ग्राहकों को सर्विस देवे और बाद में दूजे बैंकों को कैश देवे। उन्होंने कहा कि जदों तो नोटबंदी का फैसला लिया गया उस टाइम तो हुण तक असी 200 करोड़ बैंक के ग्राहकों को वंड चुके हैं। Is in charge there, he has not given us, he is, or I don't know why, he is not able to give us any cash after 8th November, since Modi ji has announced this thing. But today also morning our opening balance was 4,86,000. In 4,86,000 we have made some payments to around 40 or 45 people. Now what we are doing is that asi log innu cash nu rationing karke de rahe hain taki sare lokan nu kam chal jaye saryan da। साडे कोल कोई कस्टमर आंदा जिहड़ा कि जिन्हों ज़्यादा नीडी हैगा या कोई इस तरह की प्रॉब्लम हैगी उन्होंने तो असं उन्होंने 10,000 भी देने बेसिंग ऑन द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ और समथिंग हिज प्रॉब्लम इज जेन्युइन। बाकी जिहड़ा हुण अज सवेरे असं कैश लैके आए हैं चंडीगढ़ तो वो 8,00,000 कैश लैके आए हैं। असं 8,00,000 के अंदर मैक्सीमम असं 10,000 भी अगर किसी बंदे नूं दईए तो 100 बंदियां नूं दे सकते हैं। जे अगर असी 5,000 दईए तो 200 बंदियां नूं कैश दे सकते हैं। बट द पीपल हू आर कमिंग अप्रोचिंग द बैंक दे आर more than 300 to 400, so every day 200 or 250 people are going back. Hun rush inna zyada hunda ki daily jada sada cashier hega oh he has many times he has gone in the shortage of cash due to the mismanagement of the, because he is the lone person who is accepting the cash and receiving the cash, so oh ohde naal ki the cash short ho janda apni jeb to bhar ke janda hai. So that is why we are trying to manage it. In the beginning also when this thing has started, we have made the arrangement for the public, like we have put the chairs outside the bank, we have given these tokens to the customers to enter into the banking hall, but people are not understanding and they are just coming to the this jada jangle te aake bas khade ho jande hai na, and many and two times it has broken and we need to call the police also for that. So these are the problems which we are facing. कहूँ तो शायद ही ऐसा दिन होगा जब हमने कैश आउट का बोर्ड लगाया होगा, अदरवाइज आज सुबह भी हमारे पास करीब 30,00,000 के आसपास जितना कैश था हमने सारा वो बांट दिया है लोगों में, और उम्मीद है कि जल्दी ही दोबारा आने वाला है तो लोग इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही वो कैश आएगा तो उसको दोबारा हम पब्लिक में बांटेंगे। कितने कस्टमर हैं यहाँ? मेरे पास टोटल कस्टमर बेस है करीब 35,000 का। तो अभी तक मतलब ये कहा जाए कि हर कस्टमर को हमने संतुष्ट करने की कोशिश की है और शायद हम उस कोशिश में कामयाब भी रहे। कितना डोनेट कर सकते हैं? टोटल अब तक मैं कहूँ जब से नोटबंदी का प्रोसेस शुरू हुआ है तो करीब करीब हमने 200 करोड़ रुपया बांट दिया होगा लोगों में, और डेली जो हमारी एवरेज रहती है 1 करोड़ तो रहती है कि मिनिमम दे देते हैं हम कस्टमर्स को। जो केनरा बैंक है उसका क्या प्रॉब्लम है? वो कहते हैं भी हमको पैसे नहीं। दूसरे बैंक का ऐसा है, सबसे पहले वो तो आप भी जानते हैं कि पहली प्रेफरेंस रहेगी कि मैं अपने कस्टमर को संतुष्ट रखूं, उसके बाद दूसरे का देखें। तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है हम उनको भी एकोमोडेट करते हैं और बाकी बैंक्स को भी करते हैं। खाली केनरा बैंक की बात नहीं करूंगा मैं, बल्कि अलाहाबाद बैंक या यूको बैंक या बाकी जितने भी हैं, क्योंकि हमारे पास क्लियरिंग हाउस है तो उन बैंकों को भी हम कैश जितना दे सकते हैं देते हैं। सैलरी मिलती है जी, उनको क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि 24,000 टोटल दे पाना अगर देता हूँ तो उसमें मेरे शायद 3 या 4 कस्टमर निकल जाते हैं, तो इसलिए उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप 24,000 नहीं निकालें, जितनी आपकी ज़रूरत है वो निकालें और
उसे मेरे अगर दो कस्टमर भी निकल जाते हैं 24,000 की बजाय 12,000 देके, तो शायद दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। नापा तो कुलदीप सिंह की रिपोर्ट, जगत सेवक वेब टीवी।